हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज का लेसन बेहद ही खास है। आप लोग सभी इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेसन, लेट्स लर्न सम वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स। येस, दिज वर्ड्स लुक सिंपल बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। सैक, सैक मीन्स होता है बोरा, और काम से निकाल देना भी होता है। जैसे उन्हें लास्ट संडे को काम से निकाल दिया गया, ही वॉज सैक्ड लास्ट संडे। स्टिल, स्टिल मीन्स होता है अभी तक, फिर भी, या शांत होता है, या एक खास मीनिंग है शांत। इंग्लिश में कहावत है स्टिल वाटर रन्स डीप, यानी कि शांत जल अंदर अंदर बहता है। ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी होता है, हम लोग सभी जानते हैं, और ट्रेन मीन्स प्रशिक्षण देना भी होता है, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग, ये वर्ड आप सुने होंगे। नोबल, नोबल मीन्स क्या होता है, उपन्यास, और नवीन, नया भी होता है, जैसे नोबल कोरोना वायरस, ये आप सुने होंगे। टीयर, टीयर मीन्स होता है आंसू, यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, टीयर्स यानी आंसू, और टेयर मिस होता है फाड़ना, जब इसका मीनिंग फाड़ना होता है तो इसे टेयर पढ़ते हैं, आप जरूर सुने होंगे वेयर एंड टेयर। तो ये खास वर्ड्स है, ऐसे दिखने में बहुत छोटा वर्ड है लेकिन बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरह से खास अंदाज में इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। नाउ लेट्स डू सम ट्रांसलेशन वर्क। और आज का पहला सेंटेंस है, मुझे इसका पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसे इस तरह से बनाना है, यहाँ पर इफ़ जो है छिपा हुआ है, इफ़ आई कम टू नो दिस तो मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू। मुझे इसका पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, इफ़ आई कम टू नो दिस आई विल टेल यू। पता लगना का इंग्लिश होता है कम टू नो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना, प्लीज़ फॉरगिव मी भी लिख सकते हैं, या फिर आई एम सॉरी भी लिख सकते हैं, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स भी लिख सकते हैं, या इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू भी लिख सकते हैं, इफ़ आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स। वह प्यार से बात ना करे तो सीधे फोन रख देना, इसमें भी यदि छिपा हुआ है, इफ़ ही doesn't talk politely तो सीधे फोन रख देना। तो यहां पर लिखेंगे keep the phone down, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं you can disconnect the phone। If he doesn't talk politely, just disconnect the phone। आप यहाँ पर just का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा। उसने मुझे मारा तो मैं उसे मारूँगा, इसमें भी यदि छिपा हुआ है, If he hits me, I will hit him। तुम्हें कोई भी परेशानी पेश आए तो मुझे बताना, इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज भी लिख सकते हैं, या इफ़ यू कम अक्रॉस भी लिख सकते हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम या एनी डिफ़िकल्टीज़ या ट्रबल तो मुझे बताना, तो के लिए कोमा दे देंगे, प्लीज़ लेट मी नो। यदि तुम्हारा काम समाप्त हो गया हो तो तुम जा सकते हो,
इसे भी दो तरीके से लिख सकते हैं, यदि तुम्हारा काम समाप्त हो गया हो, इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, या इफ योर वर्क हैज फिनिश्ड। यू कैन गो। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट कॉलिंग यू अ फूल। दोस्तों आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, आई विल नॉट टेक एनी वन्स साइड। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, आई, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, डिड लग जाएगा, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट, आई डिडंट डू दिस जानबूझकर, इसे आप पर्पसली भी लिख सकते हैं या फिर डेलिब्रेटली भी लिख सकते हैं या फिर इंटेंशनली भी लिख सकते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, मनी डजंट ग्रो ऑन अ ट्री। तो ये कुछ अलग सेंटेंसेस थे जिसका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। और इसी तरह से ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।